मेरा चैनल, मैं हूँ दीपिका, दीपिका ब्लॉगिंग से। और अभी मैं मतलब सो के ही उठी हूँ, थोड़े देर हो रहे हैं, मतलब 5-10 मिनट में उठ के बैठी हूँ। और आज सर में कुछ ज़्यादा ही दर्द है, आज सारा दिन मैं सोई हूँ। सुबह से मैंने कुछ भी काम नहीं किया, कोई ब्लॉग भी नहीं बनाया। शाम के टाइम ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, शाम के बज रहे हैं 5। और अभी मैंने शाम का जो काम करना है वो मैं अभी दिखाती हूँ। और किसी किसी का कमेंट ये भी होता है कि आप सुबह से लेकर शाम तक क्या करते हो, उसका व्लॉग बनाओ, वो हमें अच्छा लगेगा देखने में। तो आज मैं कोशिश की हूँ कि आज जो मैं शाम का जो मेरा काम है वो अभी से लेके मतलब मैं स्टार्ट कर रही हूँ, वो मैं रात तक सोने तक का व्लॉग बनाऊँगी। और मैं तब तक आप लोगों के साथ रहूँगी, एंड आप लोग भी मेरे साथ बने रहो। और मैं क्या क्या करूँगी शाम तक वो मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। तो आप लोग मेरे इस व्लॉग में बने रहिए। और सबसे पहले जो मुझे करना है वो मेरे फेस में थोड़ी सी टैनिंग आ गई है, तो मुझे फेस में एक मैजिकल फेस पैक लगाना है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो, देखना चाहते हो कि फेस में ऐसी क्या चीज़ मैं लगाती हूँ जो स्किन ग्लोइंग रहती है, तो इस तो बने रहिए मेरे इस व्लॉग में। और आपको मैं दिखाऊँ, ये देखिए ये बर्तन मेरे पड़े हैं। मतलब कि सुबह से मैं इतनी आलसी हो गई हूँ कि मतलब कि ब्रेकफास्ट किया, नहाया और मैं बस सो रही हूँ। सर में दर्द हो रहे हैं थोड़ा आज, तो मैंने सुबह से ये बर्तन नहीं धोए हैं और अभी ये मुझे बर्तन धोना है। इससे पहले मैं अपनी स्किन की थोड़ी क्लीन करूँगी, फेस पैक लगाना है एक मुझे, वो भी घर की ही चीज़ से। और मैं आपको बताऊँगी भी कि मैं क्या लगा रही हूँ फेस पे, आप भी अपने स्किन के लिए कर सकते हो ऐसा, ठीक है। तो चलिए मैं पहले मैं अपने फेस पर पैक अप्लाई करती हूँ, उसके बाद मैं नेक्स्ट जो काम है। तो सबसे पहले मैं अपने हेयर को कवर कर लेती हूँ अच्छे से, उसके बाद पैक लगाने में थोड़ा इजी होगा क्योंकि हेयर में लग जाएंगे फिर। और मैं ले के आती हूँ मेरा मैजिकल फेस पैक, और आप देखेंगे कि इससे कितना अच्छा फेस पे ग्लो आता है। और ये आप हफ्ते में 2 से 3 बार आप कर सकते हो ऐसा। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये है आटा एंड हल्दी। तो आटा जो है वो गेहूं का ही आटा है, कुछ और नहीं है। तो इसे मैं अच्छे से मिक्सिंग करूंगी पहले। थोड़ा सा पानी और चाहिए मुझे, मैं लेके आती हूँ। यहाँ पे आपकी मर्जी है, आप पानी ऐड करना चाहते हो या दूध ऐड करना चाहते हो या रोज़ वाटर ऐड करना चाहते हो, आप जो चाहते हो वो ऐड कर सकते हो। मैं यहाँ पे नॉर्मल वाटर ही ऐड कर रही हूँ। बहुत से लोगों को पता नहीं है कि घर पे ही जो चीज़ें हैं उससे भी आप अपनी स्किन के केयर कर सकते हैं। वैसे मेरे पास सारी चीज़ें अवेलेबल है, बट मैं फिर भी मैंने सोचा कि घर की चीज़ें यूज़ करते हैं क्योंकि गांव में आए हैं और घर की चीज़ें यूज़ करना थोड़ा सब कुछ गांव में मिल जाता है, अवेलेबल होता है। शहर में रहने से भी सब कुछ चाहिए तो हर चीज़ नहीं मिलता, बट यहाँ पर जो भी चीज़ें मिलती है वो नेचुरल होती है। तो ये अच्छे से घुलने के बाद आप अच्छे से घोल लें इसको अच्छे से, उसके बाद इसको फेस में आप अप्लाई करें। पैक बच भी गया है, ये हैंड में भी लगा सकते हैं बट मैं नहीं लगा रही क्योंकि मुझे भी जो बर्तन है वो मुझे वॉश करना है, तो इसलिए मैं इसे रख देती हूँ और इसे बाद में मैं अपने हाथ में लगा लूँ। तो जब तक ये मेरा सूख का है तब तक मैं बर्तन धो लेती हूँ, क्योंकि ऐसे ही काम होगा, अगर हम एक चीज़ लेकर बैठ जाते तो कोई काम नहीं होगा। तो चलिए मैं बर्तन धोती हूँ।
फ्रेंड्स ये देखिए मैंने फेस को क्लीन कर लिया पैक लगा के, इधर भी लग गई है। अभी मेरा काम नहीं खत्म हुआ है, अभी मुझे कपड़े धोने। तो अभी मैं कपड़े धोऊंगी और मुझे कपड़े मसलने की आदत है, ऐसे बैठ के मुझसे कपड़े नहीं धोए जाते, फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ क्योंकि धोना तो पड़ेगा ही। और मेरे लिए सबसे मतलब हार्ड वर्क जिसे बोलते हैं ना, सबसे मुश्किल काम मेरा है बर्तन धोना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि हाथ मेरे काले हो जाते हैं, इसीलिए मुझे बर्तन धोना पसंद नहीं है। लेकिन फिर भी काम तो आपको सारा करना ही पड़ेगा, चाहे पसंद हो चाहे ना हो। तो मैंने बर्तन तो धो लिए, अब कपड़े धोने के बारी है। कपड़े मैं धो सकती हूँ कि नहीं ऐसे बैठ के, क्योंकि मुझे ऐसे आदत नहीं है, मशीन में धोने की आदत है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। लेकिन ऐसे भी कपड़े धोने का मतलब क्या बोलेंगे, गांव में नए तरीके से अच्छा लगता है कभी कभी। और जब से मैं यहाँ पे आई हूँ मुझे तो बहुत ही अच्छी लग रही है। और अभी मैं धो लेती हूँ फटाफट, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं जल्दी से। आज मेरे सिस्टर और ब्रदर भी आने वाले हैं तो हम उन्हीं का वेट भी कर रहे हैं, है ना कृतिक, वेट कर रहे हैं ना। मेरा कृतिक बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, देख रहा अपनी खुशी मम्मा को कितना डांटेगा जब आएगी। तो अभी शाम के कितने बज गए, कितने बज गए कृतिक, टाइम 6:40 हो रहे हैं अभी और अभी तक पहुँचे नहीं है, मतलब इधर तो शाम हो गई है, हम उनका ही वेट कर रहे हैं। कृतिक आ जाएंगी, शांत हो जाओ। तो यहाँ पे मुझे कपड़े धोए नहीं जा रहे थे बैठ के, तो मैंने खड़े होके ही थोड़ा सा क्या कहते हैं इसे, हमारा योगा भी हो गया। लेफ्ट राइट भी कर दिया। कृतिक को बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है मम्मा का काम देख के। अब मेरा हो गया, अब जल्दी जल्दी से मैं निकालती हूँ। सो के शक्ल की पैन बच जाती है, और मैं थोड़ा सा हेयर चेंज करके आती हूँ, उसके बाद देखते हैं मुझे और क्या करना है। तो फ्रेंड्स मैं रेडी हो गई हूँ, मतलब मैंने फेस में पैक लगाने के बाद, वॉश करने के बाद अभी जस्ट क्रीम लगाई है और लिपस्टिक लगाई है, इसके अलावा और भी कुछ नहीं लगाई है, ठीक है। तो अब मेरी हो गई है, अब मैं थोड़ा सा मुझे कृतिक गया है बाहर तो मैं देखती हूँ, उसे छत से दिख गया तो मैं उसे आवाज मारूंगी। और आज मैंने सोचा है कि आज मैं डिनर नहीं बनाऊंगी, क्योंकि डिनर आज मेरी छोटी सिस्टर आ रही है तो वो बनाएगी, क्योंकि उसके हाथ के खाने ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं मुझे, तो आज मैं उसे ही बोलूँगी बनाने। तो मैं थोड़ा सा छत पे चढ़ गई हूँ और यहाँ पे मुझे कोई दिख नहीं रहे हैं। कृतिक थोड़ा उधर गया है, बहुत ज़्यादा आगे तक गया है, तो मुझे लगता है बाहर जाना पड़ेगा। फ्रेंड्स मुझे आप लोगों से एक और बात करनी है, तो मैं अभी ही कर लेती हूँ। क्या होता है ना कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं कुछ, या फिर कमेंट ऐसे होते हैं, या फिर डायरेक्टली ऐसा कुछ बोल देते हैं, तो हम जो हैं थोड़ा परेशान हो जाते हैं, जैसे मुझे भी परेशानी होती है इस चीज़ से। लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं किसी की भी बातों को आपको अपने दिल दिमाग में ना लूँ, मैं अपने काम पे अच्छे से फोकस करूँ। बट फिर भी मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते, अच्छा नहीं चाह सकते, तो आप प्लीज़ आप उसके बारे में बुरा भी ना सोचो और डीमोटिवेट करने की कोशिश ना करो, ठीक है। उसे हिम्मत देने की कोशिश करो, अगर कोई भी किसी भी तरह का काम कर रहा है। अब मैं नहीं कह रही हूँ कि अगर मैं जो कर रही हूँ तो मेरे लिए, मैं ये बोल रही हूँ
हर किसी के लिए, हर किसी का अलग अलग काम होता है, तो हर किसी के लिए बोल रही हूँ मैं। तो अभी तक तो इतने हैं, अभी मैं थोड़ा सा ब्रेक लूँगी जब तक मेरी सिस्टर और मेरा ब्रदर नहीं आ जाते हैं और कृतिक उधर से नहीं आ जाता है। उसके बाद जब सब आ जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे। तो ये देखो कृतिक, अरे तो अभी रात के बज गए हैं 9:30 और अभी हम डिनर करेंगे और डिनर करने के बाद सो जाएंगे। तो अब डिनर करती हूँ और शाम से लेकर तो ऐसे ही निकलेगा। मेरे सिस्टर और ब्रदर भी आ गए हैं बट मैं अभी नहीं मिला रही हूँ, इसलिए नहीं मिला रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि सबको एक साथ मिलाऊँ। इसलिए वैसे बीच बीच में वीडियो में आ जाएंगे तो उसको देखा जाएगा बट मैं अलग से सबको एक साथ में दिखाऊँगी। तो चलिए डिनर करते हैं और उसके बाद ये क्या हो रहा है? गेम खेल रहा है। ऐसे उल्टा पुल्टा होके कौन गेम खेलता है? मेरा ये स्टाइल। तेरा ये स्टाइल है? भूख लगा है, खाना खा लो सबको। चलो फिर खाना लेके चलो लेके आते हैं, जल्दी जल्दी खाते हैं। हाँ ये भी खाना, ऐसे उधर खाना है किचन में, सबको किचन में खाना है। चलो खुशी, बाहर पूरा अंधेरा है और किचन हमारा थोड़ा रूम से थोड़ा सा दूर है। तो ये मैं आ गई मैं किचन और यहाँ से खाना लेते हैं और ये मैं दिखाती हूँ मैंने क्या बनाया है। ये देखिए आलू की सब्जी और रोटी। तो अब जल्दी से खाते हैं और फिर सो जाते हैं, नींद भी आ रही है। मेरा तो आज सारा दिन सर ही दर्द हो रही है पता नहीं क्यों। जल्दी आ जाओ खुशी, खुशी